पहाड़ के गांव के बच्चों में बिल्कुल जोश हो रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला जोश आ रहा है। खाइए खत्म जाइए ककड़ी की, ककड़ी खाइए। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइज आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज मैं ईश्वर बिष्ट उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आज के मौसम की बात करते हैं। जैसे कि आज आप मौसम देख रहे हैं, आज भी मौसम पूरा ख़राब ही है। जैसे कि आपको पता ही है लगातार मौसम ख़राब चल रहा है आजकल, तो आज भी मतलब बारिश हो रही है। अभी भी मैं बारिश पे ही हूँ, बारिश लगी है ऊपर। तो बाकी चलिए आज के इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो बाकी गाइज आज के भी आपको इस ब्लॉग से थोड़ा बहुत अपडेट पहाड़ की मिल ही जाएगी। और अभी जैसे कि यहाँ पे मम्मी और पूजा यहाँ पे देखिए गोबर वोबर वगैरह फेंक रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे गोबर हो रखा था, तो गाय वगैरह बांधी थी यहाँ पे, तो यहाँ पर से मम्मी ने निकाल के यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। देखिए अभी सुबह सुबह मम्मी का पूजा का एक काम चल रहा है, गोबर वोबर वगैरह फेंकने का। बाकी तो सभी लोग घर ही में हैं आज, क्योंकि बारिश लगी हुई है ना तगड़ी। आजकल बारिश लग जाती काम हम कुछ नहीं हो रहा है, बस काम के तौर पर एक गाय जो गाय बच्चियाँ उनके लिए घास वास वगैरह बनानी हो रही है, घास वगैरह बना रहे हैं। जो घर के काम होते हैं मतलब वो कर लेते हैं बारिश में, बाकी और कुछ नहीं होता। चलो छुट्टी से भाई आज तक काम में पिलची है मजा देखिए लदन जब बिल्कुल कह ला जा मस्त है बिल्कुल। तो यार पूजा तो खुश है भाई, गोबर उठा रही पूजा तो खुश है, मजे आ रहे हो बिल्कुल। इस प्रकार की जो प्लास्टिक की गाय क्रेटे वगैरह होती है क्रेटों में भरते हैं इसको। पूजा ने देखिए बिल्कुल बारिश से बचने के लिए सुरक्षा कवच लगा रखा है बाहर से। तो पूजा ने अपने लिए स्पेशली मंगा रखा है बिल्कुल सुरक्षा कवच, देखिए नीले नीले कलर का। कोई मिल गया उनका जादू इतने ये जादू। यार तो सुबह सुबह मतलब गोबर वोबर वगैरह फेंक रहे हो, कब आज हथोड़े से पूरी उन्नर गोबर को। अच्छा और ये बारिश तेल लग गई है देखिए अब। आज जो है मतलब आज के दिन में मतलब एक त्यौहार होता है पहाड़ में जिसको खतड़ुआ बोलते हैं, खतड़ुआ वो करते हैं। उसमें यार ककड़ी ककड़ी वगैरह गाय के गोट फोड़ते हैं, वहाँ से वो पिरोल में आग हाग जला करके भागते हैं, भाज खतड़ुआ भाजा भाज कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ है त्यौहार। तो बस बाकी आप शाम को देखोगे कि किस प्रकार से खतड़ुआ मनाते हैं। पूजा के गोबर मतलब उसमें भरते भरते बाल खुल गए थे, सुमन को बुला लिया उसने बाल बांधने के लिए, छोटी बहन बड़ी बहन के बाल बांध रही हैं। गुड सुमन आज किस है, है? गुदड़ू कस गुदड़ू 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 की बात। अच्छा खतड़ू, अच्छा मैं कहा गुदड़ू गुदड़ू तो उसकी कहना है। तो गए आजकल दो चार दिन के लगातार बारिश की वजह से मतलब ऐसा हो गया यहाँ पे, बहुत ही पानी पानी कीचड़ ही कीचड़। देखो आप बिल्कुल जहाँ देखो कि बिल्कुल कीचड़ी कीचड़ हो गया है, खतरनाक वाला। बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, कल रात भर में मतलब बारिश थी गाइस। एक डेढ़ दो बजे तक का काम करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह का, तो रात भर में मैंने देखा कि बारिश रुकी नहीं थी बिल्कुल भी, रात भर बारिश हो रखी है। अभी आज इस वाले रास्ते से चलते हैं ऊपर को, इस जगह पर लगा रखी है बाल्टी, ये देखिए छत से जब भी गाइस बारिश में पानी टपकता है ना पानी आता है तो नीचे से इस तरीके से मतलब बर्तन वगैरह लगा देते हैं पहाड़ में, ये ऐसे होते हैं ऊपर से छत से पानी आता है बह करके, उसको बंधरा बोलते हैं, तो बर्तन में भर जाता है, काम आ जाता है किसी बर्तन को धोने के। तो गैज मैं खाना तो लेकर के आ गया हूँ अपना बढ़िया करके बाहर से, बट यहाँ पे हो रही है बारिश और गीला भी हो रहा है यहाँ पे, पूरा बारिश लगी है। तो अभी आज मैं अंदर ही खाता हूँ। तो गाइज मैं तो बढ़िया करके खाना खा करके आ गया हूँ भाई, मेरा खाना हो गया है। बारिश की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, बिल्कुल ठंडा होने लग गया है पहाड़ों में। खाना खाने के लिए देखो यहाँ वहाँ क्या आ रखी है, कैसे रहे बाबा मन का एकदम बढ़िया बढ़िया हो रहा है आप खुद बनाई। चाची का यहाँ पे कपड़े वपड़े धोने का काम चल रहा है, धो दिया गई थी। अच्छा घर बन जाती तू है और बसाएं बनो ना भाव जरूरी बार हाल बनो ना बार हाल आज खतरनाक आज घर बसाएं धोखा खून बड़ बल पे धोखा चाहिए
यार खतर ये दिन मतलब बहुत ज्यादा खिलाते हैं बस गाय बच्चों को घास जो ये रो नहीं होता है। आप सुना ये चौताल में और यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब फिसलने वाला हो गया, बहुत ज्यादा काई जम गई है, मतलब फिसलने वाला इतना ज्यादा ना, यही खतरा बनता है बिल्कुल बारिश के टाइम में। काई जम जाती है बिल्कुल, पैर तो एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, अगर फिसल गए तो भाई कमर टूटे हाथ पैर टूटे, कहाँ ब्लॉगिंग फिर कहाँ कहाँ से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। खा रहा है खरीद भाग्य धन वाली थी चाची, अभी खाना खा करके बर्तन खाली करके बर्तन धोने लग गई यहाँ पे। तो फिलहाल मैं अभी इस समय पहुंच गया हूँ गैर में गैज, और यहाँ पर से आप चेक कीजिए तो ये देखिए आप नीचे, अब देखिए गैज आपने पिछले ब्लॉग पे भी मतलब देखी है यहाँ की मक्का, और आज के ब्लॉग पे चेक कीजिए आपके मक्का का क्या हाल हो रखा है। तो पूरी खेत में जितनी बड़ी खड़ी मक्का थी पूरी मतलब नीचे देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इसमें ज़बरदस्ती किसी ने लटका करके ऊपर से दबा दिए होंगे, मतलब इसमें गाड़ी चला दी होगी, बिल्कुल वैसा हो रहा है सीन देखिए आप ये। तो उस खेत में देखिए उस खेत में मक्का भी थी और मंडुआ भी था, जब मैं कुलियत में जाता था पूरा मंडुआ काफ़ी मेरे हाइट के बराबर था, और इस समय देखिए पूरा मंडुआ मतलब नीचे गिर गया हो। तो गाइस ये तो एक छोटा सा मतलब मंडुआ है और मक्का है, इनका ये हाल हो गया है, बट पहाड़ों में अगर भयंकर वाले तूफान आते हैं बारिश वगैरह होती है तो तब जा कर के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं चीड़ के वो तो उखड़ जाते हैं, वो तो गिर जाते हैं यहाँ पे। तुम क्या लेके आई ककड़ी? गुड, ककड़ी खाओगे आज? ककड़ी रही इसे खतुड़ा में फसाएंगे। अरे खतुड़वा में ना आज तो खतुड़वा है, शाम के तो बहुत खतुड़वा बाजे आज ये यहाँ पे। ठीक है फिर शाम को आना है, ऐसे भगाते हुए आना इधर को, ठीक है? जाओ फिर जाओ ले जाओ इसको। तो गाइस जैसे कि मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि आज जो त्यौहार है वो खतुड़वा का है, अभी ककड़ी लेकर के जा रहे हैं, शाम को बोले आग भाग जला के दौड़ेंगे बस भाज खतुड़वा भाजे आज। तो गाइस अभी देखिए फाइनली अभी वो समय हो गया है जब खतुड़वा भगाते हैं, और ये देखिए ककड़ी फोड़ते हैं गोट गाय बच्चों की मतलब जो कीले होते हैं धुनी होती है उसमें, और बाकी पिरुल वगैरह जला करके ले जाते हैं जहाँ पे अपना और पिरुल वगैरह इकट्ठा करते हैं वहाँ पे से खतौड़े को भगाते हैं बिल्कुल हल्ला करके गुल्ला करके। अरे तो दिखना नहीं है मगर भाई आगे आग दिखना बस डालना नान और गाय देखिए जो हम गाय के गोठ में मतलब फोड़ करके लाए थे ना ककड़ी, वो यहाँ पे भी लाते हैं, यहाँ पे आग में भी डालते हैं वो मतलब, और बाकी इसको सारे लोग मिक्स करके बांट करके फिर खाते हैं ककड़ी को, जो इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ये इतने सारी ककड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं, तो इनको ले जाएंगे घर में, और ये रख दिए ककड़ी को आग में तो चढ़ा ही दिया पहले ही। तो गाइस
खतरजुआ भगाने के लिए पूजा भी आई थी। ये देखिए, ये बनी थी कैमरामैन। और पूजा ने एक बार भी हल्ला नहीं किया भाज खतरजुआ भाजवा कि दीपक और वो छोटू चले गए हैं उधर घर को सुमन लोग। अभी चलते हैं घर को हम, कहाँ खतना खिद बुलानी। बाकी क्या है, बारिश भी आ गई है तो ये तो है बुझ जाएगा, बस थोड़ा सा रहा हुआ है। तो पूजा के हाथ में देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ, घर में जाके सबको मारनी पड़ती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर में सीधे। खतर बाकी गाड़ी भाई, ये सिर में भी रखो इसको, खाओ भी। गाइस आज देखिए कितने दिनों बाद आप चाचा को देख रहे हो ब्लॉग में। आज तो बहुत ही दिनों बाद चाचा भी देख रहे हैं। तो अभी चाचा ड्यूटी से आ गए हैं। देखिए तो गाइस, देखिए आपने मेरे बड़े वाले चाचा देख नहीं रखे होंगे बहुत टाइम से, मतलब ब्लॉग में। तो आज वो ड्यूटी से आ गए हैं, आज शाम तक ब्लॉग बनाए तो इस वजह से आज चाचा भी दिख गए हैं। अभी ड्यूटी से आए तो खाइए खत्म हो जाएगी ककड़ी। खाइए वाली है, हमने गोरू जिता दिया फिर हमने। फिर गोरू जीत गया हमारा। आ गए फिर ड्यूटी से, ठीक ठीक। क्या क्यों चाहते चार सही है सही है। आलू और बैगन की बन रही सब्जी। अरे गजब गजब, आज चाचा बना रहे हैं यहाँ पे आलू और बैगन की सब्जी। मैंने कहा मैं बनाता हूँ, टाइम से आ गया हूँ। हाँ सही। तो देखिए आज चाचा भी आ गए हैं, आज हमने शाम तक ब्लॉग रखा तो आज चाचा भी दिख गए हैं। सुबह चले जाते हैं ड्यूटी में, इस वजह से दिख नहीं पाते ब्लॉग पे वो आपको। और अभी देखिए बुबू भी खा रहे हैं खतरजुए की ककड़ी। वो भाज खतरजुआ भाजे भाज कह दो। ये गाइस आज तो बुबू ने भगा दिया खतरजुआ मीठा है। खतरजुआ खतरजुआ मीठा है। ये भाज खतरजुआ भाजे भाज कह दो। भात खतरुआ भाजे भा। ये बाबा ने भी भगा दिया, मम्मी को दे दिया खतरजी की कबड़ी। तू कितने दिया है? भात खतरुआ भाजे भात। यो गजब जी खतरुआ की। हां यो, फिर मम्मी का घर आते जाते इन्होंने असन असन ने मम्मी ने भसोन ले गया। तो जो गाइस गाय को जिताना है आज, फिर खतरुआ भाज गया आज। सबूल भगा हमूल भगा अंतिलाल अमल बुबुल्ला भगा ले बुबुल्ला को पपाल हो गया, तेल हो गया, काकुल हो गया, तो सबूत हो गया आज खतर। तो गैज आज देखिए, आज तो आपको डिनर तक का ये ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, मतलब सुबह से। बाकी अभी थोड़ी देर में खाना वाना बनता है, फिर मिलते हैं। क्या कैसे खतर उनसे चप्पल याद करिए किसे यार। देखिए सारे अड़ोस-पड़ोस के बच्चे भी हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए, खतरजुआ मेरा भगा रहे। एक की तो दीपू भाई की तो चप्पल ही खो गई, बस पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ये खो के आ गया चप्पल, क्यों क्यों थोड़ी देखा बाप रे, पता क्या मैं हिमाचल का नूपुर है। बच्चे देखिए गए कितने इकट्ठे हो गए सारे, ये कितने सारे देखिए गाइज पहाड़ के गांव के बच्चों में बिल्कुल जोश हो रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला जोश आ रहा है, बिल्कुल खतरजुआ भगाने के लिए। देखिए आप सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जोर से, बिल्कुल जितना तरान हो उतने तरान से बिल्कुल बोल रहे हैं। बाकी अभी पापा खा रहे हैं यहाँ पे बढ़िया करके, और मम्मी बना रही है अंदर रोटियाँ। तो क्या जब भी फाइनली खाना पीना भी हो गया है बढ़िया करके, और अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम पे। तो अब बढ़िया करके अभी वीडियो एडिट वगैरह करूँगा, क्योंकि कल को फिर पब्लिश भी करनी है गैज। तो बाकी अभी समय हो रहा है लगभग 10:30 शाम के, तो मैंने करनी है वीडियो एडिट। तो फिलहाल मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर तक रखता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ गैज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं सर्विस्टर मिलता हूँ आपको फिर से अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।